दोस्तों बिग बॉस 12 की विनर शिल्पा शिंदे का मानना है कि फेमस यूट्यूब स्टार दानिश जहन का एक्सीडेंट बहुत ही रहस्यपूर्ण है और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। शिल्पा शिंदे ने ट्वीट करके दानिश की मौत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिल्पा का कहना है कि पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, शिल्पा शिंदे ने ट्वीट करके लिखा कि दानिश जैन की रहस्यमय मौत से मैं बहुत सदमे में हूं। मेरी तरफ से उनके परिवार को सहानुभूति, भगवान दानिश की आत्मा को शांति दे, लेकिन वह खुद ही इस रचे गए एक्सीडेंट से पर्दा हटाएंगे और तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इस केस को गंभीरता से लिया जाए और तुरंत जांच की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दानिश के फैमिली मेंबर्स का कहना है कि कुछ मौलाना उन पर दबाव बना रहे थे कि वह दानिश के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मैसेज अपलोड करे जिसमें वो कहे कि दानिश गलत रास्ते पर चल पड़े थे और अल्लाह ने उन्हें सजा दी है। दोस्तों 21 साल के दानिश मस्त मौला इंसान थे। दानिश अपने हेयर स्टाइल से लेकर बिंदास अंदाज के लिए बहुत ही जाने जाते थे। दानिश की एक्सीडेंट में हुई मौत से न केवल उनके परिवार बल्कि दोस्तों फैंस भी काफी सदमे में है। दानिश की मौत की खबर आते ही उनके फैंस पर दुखों का सैलाब टूट पड़ा था। दानिश के फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो वहीं कुछ फैंस उनकी मौत को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों ट्विटर पर भी यूजर्स ने दानिश के एक्सीडेंट को सोची समझी साजिश बता रहे हैं। अब असलियत क्या है ये तो दोस्तों हम नहीं जानते। दानिश की मौत के कुछ दिन बाद ही उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया था। दोस्तों दानिश जहन का निधन कार एक्सीडेंट में हुआ था। दानिश के निधन की जानकारी विकास गुप्ता ने सोशल मीडिया पर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों उनका एक्सीडेंट नवी मुंबई के पास सियोन पनवेल हाईवे पर हुआ, जब दानिश कुर्ला में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद में वापस लौट रहे थे।